अब बहुत से लोग सहयोग में आते हैं जबकि मैं भाषण देने आती हूँ, न जाने क्यों मुझे सुनने हजारों लोग चले आते हैं, पर उसके बाद चिपकते बहुत कम है, गोंद लगाकर भी नहीं चिपकते और अपनी वृद्धि नहीं कर लेते, न जाने क्या बात। तो किसी से पूछा, भाई क्या बात है, मैं तो गया था आपके प्रोग्राम में, मेरी जागृति हो गई, पर अब तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैंने कहा, आप क्या फायदा, तुम चिपके क्यों नहीं, तुम रहे क्यों नहीं। नहीं, उसमें के एक जो सहयोगी साहब थे वो जरा से बहुत हमसे अकड़ के बात की, तुमसे उससे क्या मतलब है भाई, तुम बैठो ध्यान करो, अगर कोई बात हो किसी ने अकड़ के, वहाँ कोई तुमसे इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा कि भैया आइए बैठिए आपके गले में मैं हार पहनाता हूँ। आप अपनी गरज से वहां गए हैं, उनकी गरज से तो गए नहीं। आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि भाई मैं आया हूं यहां कुछ लेने के लिए, तो आप पहले आके मेरे लिए कुर्सी नहीं उनके लिए कुर्सी, यहां बैठने को नहीं मिला वहां नहीं बैठने को मिला, तुम क्यों कुर्सी में बैठे हो, वहीं सिर्फ फुटवल चुरा, ये कोई परमात्मा के दरबार में आने की बात नहीं। इसीलिए नानक साहब ने कहा था कि सेवा कराओ पहले से, और सारे गुरु लोग ऐसे ही करते रहे। एक गुरु हैं वो लगनगढ़ पे रहते हैं, तो उनसे हम मिलने गए थे, उन्होंने सबसे बताया कि माँ आ गई, अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, तो मिलने गए थे। तो कहने लगे कि कोई अगर ऐसा वैसा मिले तो उसे मेरे पास भेज दिए, उसको मैं ठीक कर दूँगा। मैंने कहा, अच्छा भाई भेज देंगे, मुझको क्या मालूम ये गुरु लोग क्या होते। एक महाशय ने ज़रा मुझे परेशान किया, मैंने कहा तुमको गुरु ने उन्होंने बुलाया, जाओ तुम गुरु गगनगढ़। गुरु महाराज ने बुलाया तो भागे गए वहाँ पर। एक महीने बाद देखती हूँ कि बैठी हुई हूँ मैं ऐसे, और सामने से दो आदमी उनको उठा के ला रहे हैं, और ये जो तंगड़ियाँ हैं ये गले में फंसी ऐसे लटकाते लटकाते। मेरे आँख में आंसू आ गए, मैंने कहा हुआ क्या बेचारे, ये क्या कर दिया। आए उनको ला के बिठाए, वहाँ से कुर्सी रखी, मैंने कहा हुआ क्या। कहने लगे कि माँ मैं वहाँ गया और गुरु महाराज ने मेरी तो हालत ख़राब कर दी। मैंने कहा क्यों। मैंने एक ही बात कही, मैंने इतना ही गुरु जी से कहा आपके ख़िलाफ़ में कि माँ जिसको देखो उसको ही रियलाइजेशन देती है ये गलत काम है, बस इतना ही कहा। मैंने कोई आपकी ज़्यादा बुराई नहीं करी, बस इतना ही कहा कि माँ सोचती नहीं है सबको रियलाइजेशन देती। तो रात में उनके वो शेर पे चलते हैं, उनके शेर आए, उन्होंने मुझे नीचे ढकेल दिया, मैं 18 फुट जाके नीचे गिर गया।